हेलो दोस्तों, मॉन्स्टर अपडेट्स के इस न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस एपिसोड में पिछले महीने आए सभी मॉन्स्टर न्यूज़ को कवर करूंगा। वैसे भी पिछले महीने सिर्फ दो न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें से एक काफ़ी तगड़ी है। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कि एप्पल प्लस टीवी पर मॉन्स्टरवर्स का सीरीज देखने को मिलेगा, नेटफ्लिक्स पर स्काइल आइलैंड का एनिमे सीरीज देखने को मिलेगा, साथ ही साथ डिज्नी प्लस वाले भी कौन का सीरीज ला रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मॉन्स्टरवर्स से कनेक्टेड रहेगा तो बिल्कुल नहीं। मॉन्स्टरवर्स को लेजेंडरी पिक्चर बनाती है, वहीं इस सीरीज को डिज्नी प्लस वाले बनाने वाले हैं, बिल्कुल पुराने किंग कॉन्ग के मूवी की तरह। पर यह लाइव एक्शन सीरीज होगी जिसमें किंग कॉन्ग का स्काइल आइलैंड और उसके ओरिजिन को दिखाया जाएगा। वैसे ये न्यूज काफ़ी पुरानी हो चुकी है, फिर भी ये न्यूज आप सभी को बताने के लिए वीडियो तो बनानी ही पड़ी। आप ये समझिए कि हमें बिल्कुल नया कॉन्ग देखने को मिलेगा, जिसे प्रोड्यूस करने वाले हैं एक्वामैन के डायरेक्टर जेम्स वान, और इसके स्टोरी को एक नॉवेलाइजेशन से बनाया जा रहा है जिसमें मेरियाना कूपर्स और जो डिविटो बनाए थे। वहीं इसके सीरीज राइटर स्टीफेंसी फोल्सन है। तो देखो कि ये डिज्नी प्लस का सीरीज है तो इफेक्ट तो बहुत तगड़ी होगी, और हिट होती है तो क्या पता डिज्नी प्लस वाले ऐसे ही मॉन्स्टर्स या किंग कॉर पर और भी सीरीज या मूवी ला दे, पर इसके लिए बहुत टाइम है। वहीं दूसरी न्यूज एप्पल प्लस टीवी पर आने वाले सीरीज से है। तो लेजेंडरी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर मॉन्स्टरवर्स सीरीज पर एक ऑफिशियल सेट फोटो रिलीज किया है, जिसमें कुछ मोनार्क से रिलेटेड साइन और उसके कुछ डॉक्यूमेंट और फोटो हैं, और शायद इसे खोद कर निकाला गया है। वहीं इस सीरीज से रिलेटेड कुछ दिनों पहले बिहाइंड द सीन्स लीक हुए थे, जहां कुछ लोग हवा में देख भागने के बारे में सोच रहे थे। तो ये रोडान का सीन हो सकता है, जब रोडान ज्वालामुखी से निकल रहा था, या फिर कोई और उड़ने वाला टाइटन। तो आपको यह न्यूज कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सुपर हीरो से रिलेटेड पावर लेवल देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल बेटल बिंग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।